वेल गाइस, तो रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने यहाँ पे एमटीवी पॉडकास्ट में टोनी स्टार्क से रिलेटेड एवेंजर्स एंड गेम में एक ऐसा सीन एक्सप्लेन किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मूवी में भी होने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे मूवी का रन टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे इसे मूवी से हटा दिया गया था। और यहाँ पे ये सीन अब हमें एवेंजर्स एंड गेम की ब्लू रे डीवीडी में दिखाई देगा, जहाँ पे सारे डिलीटेड सीन्स के साथ इस सीन को भी कंपाइल किया जाएगा। तो जब यहाँ पे रूसो ब्रदर्स से पूछा गया एमटीवी पॉडकास्ट में कि कैथरीन लैंगफोर्ड, जिनको बताया जा रहा था कि उनको एक सीक्रेट रोल के लिए कास्ट किया गया है मूवी में और उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम के रीशूट्स के दौरान यहां पे कुछ सीन्स फिल्म भी किए थे, तो उनके सीन्स का क्या हुआ और उनके रोल का क्या हुआ, तो इसका जवाब देते हुए यहां पे रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि एक्चुअली एवेंजर्स एंड गेम में यहां पे कैथरीन लैंगफोर्ड टोनी स्टार्क की एल्डर डॉटर का वर्जन प्ले करने वाली थी और यहां पे उनका सीन टोनी स्टार्क के साथ ऐसा था कि जब टोनी स्टार्क ने अपने फिंगर्स को स्नैप किया था एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसके तुरंत बाद वो यहां पे सोल वर्ल्ड में चले जाते हैं अपनी डॉटर से मिलने और यहां पे वो मिलते हैं अपनी एल्डर वर्जन डॉटर से, जहां पे वो उनसे माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, वर्ल्ड को बचाने के चक्कर में मुझे अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा। और ये बिल्कुल उसी सीन से मिलता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहां पे थैनोस ने अपने फिंगर स्नैप करने के बाद वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन को जब डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब वो अपनी छोटी वर्जन वाली गुमोरा से मिले थे और जहां पे उनसे पूछा गया था व्हाट डिड इट कॉस्ट, और थैनोस ने रिप्लाई किया था एवरीथिंग। और यहां पे जब रूसो ब्रदर्स से और भी ज्यादा पूछा गया कि क्यों ये सीन इंक्लूड नहीं किया गया था, और इसका जवाब देते हुए यहां पे रूसो ब्रदर्स ने ये कहा कि अगर ये सीन भी मूवी में डाला जाता तो काफी ज्यादा मूवी जो है लंबी हो जाती, और यही नहीं बल्कि मूवी में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था। और अगर हम गौर करें तो टोनी स्टार्क की डेथ फ्यूनरल पे यहां पे उनकी बेटी मॉर्गन स्टार्क को उनका मैसेज भी मिलता है, जो कि टोनी स्टार्क ने अपने हेलमेट में रिकॉर्ड किया हुआ होता है टाइम हाइस्ट पे जाने से पहले, और वहां पे भी वो वही सारी चीजें यहां पे अपनी बेटी से कहते हैं कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें पता नहीं कि वो क्या वो वापस लौटेंगे भी इस टाइम हाइस्ट से या फिर नहीं। इस डिलीटेड सीन से कहीं ना कहीं हमें ये अंदाजा या फिर ये बात कंफर्म हो जाती है कि फ्यूचर में यहां पे कैथरीन लैंगफोर्ड ही हमें यहां पे मॉर्गन स्टार्क का एक एल्डर वर्जन प्ले करते हुए नजर आ सकती है यहां पे एमसीयू में, और वही यहां पे आयरन हार्ट का रोल प्ले कर सकती है आगे चल के हमारे फ्यूचर एवेंजर्स के साथ। और गाइस, अगर फैंस के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो यहां पे फैंस तो चाहते ही थे कि यार 3 घंटे से भी अगर 4 घंटे की भी मूवी हो तो यहां पे फैंस वो भी देख लेते, तो इस सीन की तो बात ही नहीं थी, इस सीन को भी यहां पे हमारे सारे फैंस, एमसीयू के फैंस या फिर आयरन मैन के फैंस देखना पसंद करते एवेंजर्स एंड गेम मूवी में। लेकिन खैर, यहां पे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और यहां पे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स को भी ये सोचना होता है कि किस तरीके से जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो कि नॉर्मल व्यूअर्स है, उनके लिए मूवी एक बर्डन ना बन जाए, एक लेंथी प्रोसेस ना बन जाए, तो इसीलिए इस सीन को कट कर दिया गया था। वेल गाइस, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ कि इस सीन को लेके आपका क्या कहना है और क्या आप एवेंजर्स एंड गेम की मेन रन टाइम में इस सीन को पसंद करते या फिर नहीं, आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और बेल आइकन को तो जरूर से प्रेस कर देना। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड एज आई से बी मार्वेलस।